तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोटेक्शन मेथड। जी हाँ, एक्सेल के अंदर में सीट को, रेंज को, सेल को, वर्कबुक को, फाइल को कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप प्रोटेक्ट करेंगे, उसकी परमिशंस को कैसे ब्लॉक करेंगे या इंटरप्ट करेंगे, आज हम इस क्लासेस में इस चीज को जानेंगे। और हमारे साथ रमेश जी हैं और रवि कुशवाहा जी हैं जो कि हमारी ये ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटेक्ट सीट। सिर्फ एक्सेल सीट या फाइल में प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? सिंपल सी बात है, घर में हम ताला तभी मारते हैं जब किसी को अंदर आने देना नहीं चाहते। उसी तरीके से एक्सेल सीट में हम पासवर्ड तभी डालेंगे जब हमें किसी और पर्सन को इसकी एक्सेस नहीं देनी है। तो पासवर्ड के तरीके कई सारे हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मेरी एक्सेल फाइल में कोई भी चेंज ना कर सके, कोई भी किसी भी तरह की कोई चेंजिंग ना कर सके। सिंपल सा सीट के ऊपर राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट सीट पे जाऊंगा, पासवर्ड डालूंगा और पासवर्ड को कंफर्म डाल करूंगा। अब दो बार पासवर्ड हर जगह पूछता है, इसलिए कि मान लीजिए कि टाइपिंग एरर हो गई, पहली बार में आपने मान लीजिए पासवर्ड डाला 15, गलती से 14 डल गया, आप समझते 15 डाला। इसलिए हमेशा पासवर्ड कंफर्म किया जाता है हर सॉफ्टवेयर में इसी चीज के लिए। सर, एक साथ बहुत सारे सीटों पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं एट ए टाइम? हाँ, मैं बता रहा हूँ, वन करके बता रहा हूँ, देखिए। लेकिन इससे पासवर्ड लगाए उससे पहले रवि जी और रमेश जी, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, इन फ्यूचर में आप पासवर्ड भूल गए तो फाइल भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पे साफ मेंशन है, If you lost and forget the password, it cannot be recovered. Microsoft कहता है कि हम किसी भी तरह के पासवर्ड को रिकवर नहीं करेंगे, इसलिए पासवर्ड। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ सर, ये मैंने ना जैसे पासवर्ड ऑनलाइन करके क्रैक कर देते हैं इसको। मैं रवि जी, मैं बता रहा हूँ सारी चीजें, दो मिनट पेशेंस रखिए ना, आप बीच में मुझे टोक देते हैं, जो वो टोकते हैं मैं वही चीज बोलने वाला होता हूँ। VBA का सर, वो कैसे लॉक करेंगे कि VBA से कोई ना कर पाए उसको छोड़कर? मैं आप प्रोग्राम समझाने, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, समझाने दीजिए सर, सब चीज बताऊंगा, पेशेंस रखिए। सॉरी सर, तो जैसे कि रवि कुशवाहा जी ने बोला कि पासवर्ड क्रैक किया जा सकता है। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि मैं पासवर्ड क्रैक नहीं करूंगा, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, इसको बोलते हैं पासवर्ड क्रैकर, उससे आप अपने पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशंस है। तो जब भी आप पासवर्ड डालें तो पासवर्ड में क्या डालें? स्पेशल करेक्टर, 10-12 डिजिट का डिजिट होना चाहिए, और उसमें आपको कैप्स लॉक होना चाहिए, स्मॉल कैप्स होने चाहिए, समझ गया ना, जो पासवर्ड के क्राइटेरिया है, जैसे ईमेल आईडी वगैरह में डालते हैं आप, उस तरह की पासवर्ड डालोगे तो कोई भी क्रैकर क्रैक नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके अलावा और भी तरीके हैं कि VBA से इंटरप्ट कर दे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि फिर वो VBA डिसेबल है, वहां पे तो आपका VBA काम नहीं करेगा। सो सबसे अच्छा है कि पासवर्ड डालें तो आप जो है एक स्पेशल करेक्टर, एक सबसे पहले तो आप यहाँ इस पे एक अपर के लेटर डाल दें, फिर लोअर लेटर डालें, एक स्पेशल करेक्टर डाल दें, नंबर डाल दें, और डिजिट जो है 8-10 डिजिट मेंटेन करें, तो क्रैकर क्रैक नहीं कर पाएगा, करने में बड़ी मुश्किल होगी। ठीक है अभी जी? तो अब बैक टू टॉपिक पे आते हैं कि हमने यहाँ पे प्रोटेक्ट किया और अब इसमें किसी भी तरह की हम चेंजिंग नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी को कर सकते हैं। सो नाउ क्वेश्चन इज दैट कि मैं प्रोटेक्ट को करना चाहता हूं, मैं आप इसको अनप्रोटेक्ट कर देता हूं, और प्रोटेक्ट के साथ हम ये भी करना चाहते हैं कि कोई भी एनीबॉडी मेरे डेटा को कॉपी ना कर सके। तो अब एक चीज को जानिए, जब भी आप सीट को प्रोटेक्ट करते हैं तो यहां पर होता है अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू। इसे साफ जाहिर है, इतनी इंग्लिश तो पता ही होगा आपको, कि ये जो चेकबॉक्स है ये आपके परमिशंस है,
आफ्टर द पासवर्ड आफ्टर द प्रोटेक्ट आप इन सब चीजों पे वर्क कर सकते हैं। अब जैसे कि फॉर्मेट सेल पे हमने क्लिक किया पासवर्ड डाल करके किया तो मैं कोई चेंजिंग तो नहीं कर सकता बट वी डू द फॉर्मेटिंग। ओके अब आप बोल रहे हैं कि हम तो यहाँ पे कॉपी को डिसेबल करना चाहते हैं तो परमिशन क्यों पढ़ा रहे हैं। अब एक चीज समझिए रमेश जी एंड रवि जी, बिना सिलेक्शन के आप कॉपी कर सकते हैं? नहीं सर। सो यहां पे परमिशन है सेल्स को सिलेक्ट करने की कि आफ्टर द प्रोटेक्शन यू कैन सिलेक्ट द सेल्स लॉक सेल एंड अनलॉक सेल। अब यहां क्वेश्चन आपका लॉक क्या है अनलॉक क्या है तो मैं इस पे अभी आता हूं, फिलहाल इसको इग्नोर कीजिए। मतलब इससे पता चलता है कि सिलेक्शन है कि आफ्टर द प्रोटेक्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये परमिशन में यहां से डिसेबल कर देता हूं एंड ओके। अब कहीं तो क्लिक नहीं कर पाएगा, डेटा को सिलेक्ट नहीं कर पाएगा तो फिर कॉपी क्या करेगा? सो वी डू द डिसेबल द कॉपी। ओके रवि जी रमेश जी आ गया समझ में कि हम कॉपी को डिसेबल कैसे करेंगे? अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे एक सीट में एक पर्टिकुलर एरिया है जैसे इसको हमने अभी एलो कर दिया है। अब मैं चाहता हूं कि मैं किसी सीट पे कहीं भी किसी भी तरह का एडिट ना कर सके बट जो एलो एरिया है उस पर एडिट कर सके। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन है कि मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया पे ही किसी तरह की एडिशन कर सकूं, रेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर एरिया मैं कोई भी एडिशन ना कर सकूं। ओके अब यहां पे क्या करेंगे तो कुछ करने से पहले आप प्रोटेक्ट शीट करते समय एक चीज को पढ़िए। यहां पे लिखा हुआ है कि प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक सेल, लिखा है सर प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक सेल। अब लॉक्ड अनलॉक्ड क्या है, यहां भी लॉक्ड अनलॉक्ड हमने देखा। अब किसी भी सेल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, यहां पे लास्ट में प्रोटेक्शन आता है। अब इस प्रोटेक्शन में देखेंगे कि लॉक्ड लगा हुआ है, जो लॉक्ड लगा हुआ है इट मींस लॉक्ड सेल, जिसका लॉक्ड हमने हटा दिया इट मींस अनलॉक्ड सेल। और प्रोटेक्शन कहती है कि मैं तो सिर्फ लॉक सेल को ही लॉक करूंगा, जिसका फॉर्मेट के अंदर जिसके फॉर्मेट सेल के अंदर प्रोटेक्शन में लॉक्ड पे क्लिक है उसी पे पासवर्ड अप्लीकेबल होगा, बाकी एरिया पे जिस पे अनलॉक्ड होगा उस पे पासवर्ड अप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम उस पर्टिकुलर येलो एरिया को सिलेक्ट करते हैं और फिर फॉर्मेट सेल पे जाते हैं और यहां लॉक्ड को हटा देते एंड ओके करते। अब मैं पासवर्ड डालूंगा तो जो हमारा येलो एरिया है वो हमारा लॉक्ड है। अब पासवर्ड डालता हूं एंड ओके। अब देखिए मैं यहां पे टाइप नहीं कर पाऊंगा बट यहां टाइप कर पाऊंगा। आया समझ में सर? सर डाउट नहीं सर, बुरा मान रहे क्या? नहीं नहीं सर, मुझे लगा कि मैंने आपको बीच में बोल दिया इसलिए बुरा मान रहे क्या? नहीं नहीं सर, वो मुझे ये कर रखा है तो मैं इसलिए। अच्छा, ये कर रखा है तो कर रखा है आपने? हाँ जी जी, वो सर आप मैंने बताया ना कि आपका क्लास काफी देखा है मैंने। अच्छा, तो वीडियो आपने पुराने वीडियो देखे ना? ओके है? अगर मैं कुछ इसमें इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करता हूँ, चलिए। अब इसमें ताकि आप बोर ना हो, अब इसमें एक चीज है कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो एरर एरिया है ये हमारा लॉक्ड रहे और बाकी एरिया अनलॉक्ड रहे। अब मैं इसका उल्टा करना चाहता हूं, पहले वाले क्वेश्चन का जस्ट उल्टा, समझ गए? तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरे सीट को सिलेक्ट करूंगा। पूरा सीट सिलेक्ट कैसे होगा,
वन और ए के बीच में ट्रायंगल है, इस पे हम सिलेक्ट करेंगे तो पूरा सीट सिलेक्ट हो जाए। अब इसके फॉर्मेट सेल में जाएंगे और इसके लॉक पे क्लिक कर, नहीं लॉक पे अनक्लिक करेंगे, माफ कीजिएगा मैं गलती कर दिया, क्या करें कभी कभी हमसे भी गलतियां हो जाती है। तो अभी क्या है कि पूरा सीट, अब मैं पासवर्ड डालूंगा तो कोई फायदा नहीं है, कहीं भी किसी तरह की टाइपिंग एडिशन कर सकता हूं। लेकिन फिर मैं इस रेड एरिया को सिलेक्ट किया और इसमें वापस हमने लॉक को लगा दिया। अब मैं राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट पे जाता हूं और पासवर्ड डालता हूं। मैं पासवर्ड नहीं डाल रहा हूं लेकिन आप डाल लीजिए। अब मैं यहां पे टाइप कर सकता हूं बट यहां टाइप नहीं कर सकता। देखिए इसका बेनिफिट क्या है, चलिए एक एग्जांपल हम आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे कि मैं एक डेटा एंट्री करने जा रहा हूं, नेम क्वांटिटी एमआरपी और यहां पे हो जाता है माउंट जीएसटी कमीशन और यहां टोटल। उसके बाद हमारे पास डेट एंड टाइम है। अब यहां पे कैलकुलेशन जो है अमाउंट जो है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, तो दोनों को आपने मल्टीप्लाई हमने कर लिया। जीएसटी इसका 10% है तो हमें 10% जीएसटी 10% 18% देता हूं, कौन सा जेब से देनी है उनको। कमीशन या COM टोटल अमाउंट का 2% है, कमीशन 2% ही होता है सर, सर देखो और इसका टोटल कर लिया। अब इसको नीचे तक हम ड्रैग करते हैं, ओके। अब यहां पर टाइप करते हैं, कहते हैं पूजा क्वांटिटी मारपी। अब टैब मारते हैं तो ये सारे कैलकुलेशन अपने आप हो रही है, तो मुझे यहां पर जाके फिर डेट एंड टाइम डालना है। तो हर बार मुझे चार सेकेंड वेस्ट होते हैं, मतलब चार कॉलम के लिए चार सेकेंड वेस्ट हुए ना। मुझे दिन में अगर मान लो 500-400 एंट्री करना है तो सॉरी सर म्यूट हो गई थी। तो मैंने क्या किया, सेम इसी मेथड को अपनाया, हमने पूरे सीट को सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और इसकी लॉक को हटा दिया। फिर वापस हमने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और लॉक को लगा दिया। अब मैं पूरे सीट यहां पे पासवर्ड डालता हूं, पासवर्ड डालते समय मैं यहाँ पे सिलेक्शन के अलावा परमिशन है उसमें मैं बोलता हूं कि सिलेक्ट अनलॉक सेल, तो हटा दिया, मतलब कि अनलॉक सेल पे मेरा कर्सर जाएगा, तो अनलॉक सेल को लॉक सेल पे नहीं जाएगा, अनलॉक सेल पे जाएगा। तो डी ई एफ जी मेरा लॉक सेल है तो उस पर कर्सर जाएगा। अब यहाँ पे टाइप करता हूं, मैं देता हूं ओम हटी और कर्सर मारते आप देखिए यहां पे मेरा, ठीक है सर। अब मुझे मान लीजिए फॉर्मूला को अगर फॉर्मूला को हाइड करना चाहता हूं तो मैं इसको राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गया और लॉफ्ट को हटा दिया एंड ओके। राइट क्लिक किया, प्रोटेक्ट शीट और पासवर्ड डाल दिया। नहीं, मैंने एक सिंपल एक गलती कर दी।
मैं इसको राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेलेक्ट किया और हिडन पे क्लिक कर दिया। हिडन पे क्लिक करना है, लॉक हटा देंगे या रख भी सकते हैं लॉक का, कोई दिक्कत नहीं है। हिडन पे क्लिक कर देंगे तो अब पासवर्ड डालते ही आपका ऊपर देख रहे हैं फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, बाकी सब में फॉर्मूला दिखेगा, इसमें फॉर्मूला नहीं दिखेगा। अब मैं चाहता हूं कि एक ही सीट पे दो अलग अलग पासवर्ड, यहां से देखिएगा सर कि मेरे पास दो टीम है, मैं चाहता हूं कि दोनों टीम एक सीट पे काम करे, बट एक टीम दूसरे टीम का डेटा छेड़छाड़ ना कर सके। मेरे पास टीम ए और टीम बी है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहां रिव्यू के अंदर में यहां से भी सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप। अलाउ यूजर एडिट रेंज, न्यू पे क्लिक किया और यहां पे पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड को कंफर्म किया और यहां न्यू पे जाते हैं, फिर वापस दूसरे रेंज के लिए हमने दूसरा रेंज को सिलेक्ट कर और फिर यहां पे हम पासवर्ड डालते हैं कोई और पासवर्ड एंड ओके करते हैं, अप्लाई एंड ओके। अब इसमें मैं प्रोटेक्ट शीट कर देता हूं और यहां पे पासवर्ड डाल। अब यहां पे मैं कोई किसी भी तरह का टाइप करने जाऊंगा तो मुझसे पासवर्ड मांग, और मैंने पासवर्ड दे दिया तो मुझे सिर्फ इसी एरिया पे काम करने देगा, वो भी कब तक, जब तक कि मैं फाइल को रीओपन नहीं करता हूं। और जैसे मैं अपने फाइल को रीओपन करता हूं अगेन मुझसे पासवर्ड पूछा, जैसे इस पे चेंज करेंगे तो इसका पासवर्ड पूछेगा। ओके, एनी डाउट्स? ओके सर, नहीं जी, आप भी पूछ सकते हैं, मैंने आपको म्यूट कर दिया था, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अब मैं चाहता हूं सीट मेरा डिलीट ना हो, तो सीट को डिलीशन से बचाने के लिए डिलीट ना हो या सीट की प्रॉपर्टी को लॉक करना है तो रिव्यू में ही आपका आता है प्रोटेक्ट वर्कबुक, यहां पे आप पासवर्ड डाल के ओके कर देंगे तो आप सीट को किसी भी तरह की डिलीशन नहीं कर सकते। अब मैं फाइल की ओपनिंग पासवर्ड डालना चाहता हूं, तो ओपनिंग पासवर्ड डालने के लिए फाइल को यहां, अगर आपकी फाइल बिल्कुल नई है तो सेव एज करते समय जब से फाइल को सेव करते हैं उसमें यहीं पे जनरल ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहां पे आपको जाएगा पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई, लेकिन इसके लिए आपको फाइल को सेव एज करना पड़ेगा। बट मेरा फाइल बिल्कुल नया है, मैं इसको सेव एज नहीं करना चाहता, तो इन्फो के अंदर में यहीं पे आपको आएगा प्रोटेक्ट वर्क वो, इसमें एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। अब इसमें पासवर्ड, ये आपकी पासवर्ड ओपनिंग पासवर्ड चलेगी, लेकिन इसमें आप किसी भी तरह का सेव एज करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये हमारी थी प्रोटेक्शन मेथड, इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, कल की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डेटा हैंडलिंग। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन, व्हाट्सएप कीजिए। एक सर एक चीज पूछनी थी मेरे को। हेलो, एक सीट पे मान लीजिए कि एक सीट पे हम काम कर रहे हैं और वो सारी सीटों पे काम हो, सेलेक्ट ऑल करके हम जब करते हैं काम, तो एक सीट पे कुछ काम कर रहे तो सब पे आ जाता है वो, बट क्या है कि वो कंडीशन, मतलब उसमें कौन कौन सी वर्क करती है, क्या सारी कंडीशन सॉल्व करती है या कंडीशन फॉर्मेटिंग नहीं करती है? आपने अगर यहाँ पे देखिए तो आपने मेरे से यहाँ सबसे सारे शीट ले लिया, जब ये बात की मैंने यहाँ पे A1 पे टाइप किया 50, तो जितने भी शीट है हर शीट पे A1 पे 50 टाइप हो, ये चीज आपको कल यहाँ डिस्कस करने वाला था अक्रॉस वर्कशीट में, ठीक है। और कंडीशन फॉर्मेटिंग काम करती है कि यहाँ ऊपर मेनू बार दिख रहा है ना, जितनी मेनू बार आपकी है सॉर्टिंग फिल्टर भी कर सकते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, टेबल वही मैं करूं कुछ काम करता कुछ नहीं करता वो कैसे कर सकते हैं? बेसिकली क्या है कि इसमें हमारे पास दो फीचर्स होते हैं,
एक होता है मल्टीपल सेल्स मल्टीपल टेबल, वो फीचर मल्टीपल टेबल पे वर्क करता है वो एक्टिव होगा। अब जैसे कि आप पिवट मान लीजिए, पिवट करता है कि मैं हमेशा एक ही डेटा से रिबट लगाता हूँ, वो यहाँ पे एक्टिव है। चार्ट भी आपका यही करता है कि मुझे एक ही डेटा टेबल से कनेक्ट करना है, मैं दो डेटा टेबल नहीं करूंगा, ये एक्टिव हो गया। इसके बारे में जान लो क्या जॉब पूछा था कि पासवर्ड प्रोटेक्ट करना, यहाँ भी आप एक साथ सारे शीट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, नतीजा हर शीट का पासवर्ड अलग होगा ना। हाँ सर, वही मैं पूछ रहा था कि पासवर्ड और ये वाला भी मतलब इसमें ये जो जो बंद जाता है तो ये काम नहीं कर सकते हैं। नहीं, एक एक शीट में करना पड़ेगा। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट। और टीचर देखिए गिफ्ट भेज दीजिएगा। बिल्कुल सर, आप